मैं नहीं आ रही घर बार, समझ में आ गई। वोट मेरे नाम कर, फोटो भी अपलोड कर दूंगी और दहेज का नाम लगाऊंगी, तेरा बाप भी चक्की पीछेगा, तेरी माँ भी। हाथ मत लगा, बोल रहा हूँ तेरे को समझ नहीं आ रही। काले कौन होता है तू? लेके आए? हाँ बड़ा भाई। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोगों के बढ़िया और हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और भाई आज की वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग में देखा है तो प्लीज़ एंड तक देखना। और भाई इस वीडियो में आपको जो अच्छा और जो बुरा, जो भी आपको कुछ समझने को सीखने को मिलेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ। और उसके साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर ज़रूर कर देना। आज हमारे साथ राहुल भाई हैं और भाई राहुल भाई के साथ क्या सिचुएशन चल रही है एक बारी भाई आपको यही बताएंगे। तो राहुल भाई प्लीज कैमरे में बता दो जो कुछ आपने मेरे को बताया। भाई मेरा नाम राहुल है, ठीक है, और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड, हम तीनों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा बहुत टाइम से रिलेशन चल रहा है, ठीक है। जो मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है ना, हाँ, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के फोन से फोटोज हमारी निकाल ली है, जो आपकी प्राइवेट फोटोज थी। हाँ, अच्छा, हाँ, वो अपने फोन में ले लिया और उसने अब मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का दिया है, अगर तू इससे दूर नहीं हुई तो मैं ये फोटो सबको दिखा दूंगी। अच्छा, धमका रही है बेस्ट फ्रेंड होके? हाँ भाई, ठीक है। इसकी वजह से उसने मेरे को छोड़ दिया है, फोटोज के चक्कर में कोई भी छोड़ देगा, सही बात है। फिर उसके बाद दो तीन दिन के बाद वो मेरे को कॉल करके कहती है उसकी फ्रेंड कि मेरे से शादी कर वरना ये फोटो मैं वायरल कर दूंगी, ठीक है। तो वो फोटोज वगैरह उसने आपके पास भी भेज दिया? उसने मेरे पास भेजी थी दो। अच्छा, फिर उसकी कॉल आई थी, ठीक है। हाँ, तो फिर मजबूरन मेरे को उससे शादी करनी पड़ी। आपने तुरंत शादी कर ली? नहीं, मतलब एक दो महीने उसको मैंने समझाया कि ये सब सही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं मानी। फिर भी फिर मजबूरन शादी करनी पड़ी। फोटोज और वीडियोस के ब्याह पे उसने ब्लैकमेल करा आपको और शादी कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर ये घर पे भी कभी चैन से नहीं रही, घर वालों को परेशान करती रही, मेरे भाइयों को, जो मेरा बड़ा भाई है वो भी बोलने लगा अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकता, इसके चक्कर में वो भी घर छोड़ के चला गया। और तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसके पास फोटोज वीडियोज है, फोटोज और वीडियोज है, तो आपका भाई घर छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनको भी परेशान करती है और मेरे को बोलती है कि अब इसको पता चल गया ना, जैसे मेरे नाम ये घर है। अच्छा, घर आपके नाम पे? हाँ, ठीक, तो है, कह रही है मेरे नाम घर करो वरना फिर क्या नाम है ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी, मतलब ब्लैकमेल कर रही है दोबारा वो, ठीक है। तो अगर वो घर आपको यूँ कह रही है कि घर मेरे नाम पे कर दे, हाँ, नहीं तो मैं वीडियो वगैरह वायरल कर दूंगी। और वो क्या नाम है कह रही है कि अगर तुमने घर मेरे नाम नहीं करा तो 10-15 लाख का तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी दहेज का, बिना बात सब कुछ करा भी उसने, कुछ करा। तो अभी क्या सीन है, अभी वो घर पे रह रही है अपने घर है? नहीं, वो अपने गई हुई है यहाँ। तो यहाँ पे आपने, मैंने जैसे बोला था बुलाने के लिए कि घर के लिए बात करनी है, तो वो यहाँ पे आएगी आज? हाँ, मैंने उसको बुलाया है, वो थोड़ी देर में वहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं, मैं इनको माइक वगैरह दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसके साथ बात करना। बस आपको ये साबित करना है कि उसने जो कुछ करा है, ब्लैकमेलिंग करी है और धमकाया, झूठा दहेज का केस लगा रही है, ये तीन चीज़ें अपने पास हो जाएंगी ना भाई, तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर हम फोटोज़ वीडियोस उससे वायरल करा देंगे, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे। आपके भाई, आप सोच सकते हो एक फ़ोटोज़ वीडियोस के चक्कर में जो इनका भाई था वो घर छोड़ के चला गया, सिर्फ एक लड़की के चक्कर में, जो कि घर, देखो यार कोई भी शादी क्यों करता है, घर बनाने के लिए, घर तोड़ने के लिए नहीं। उसके आते ही जब ऐसे संस्कार हैं, आते ही घर तोड़ना, तो आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या से क्या करेगी। और ये कह रहे हैं कि भाई इनके बूढ़े माता पिता की भी इज्जत नहीं करती, तो आप खुद ही सोच सकते हो। बाकी ये देखते हैं वीडियो में क्या होता है, आप वीडियो को एंड तक देखना। आ गए तुम? किस लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? यार बात करने के लिए बुलाया। क्या बात करने के लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? यार क्या यार, घर आ जाओ वापस। क्या घर आ जाओ? मैं नहीं आ रही घर बार, समझ में आ गई? मैं घर बार नहीं आ रही, उस घर में तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, मुझे नहीं मतलब उससे। घर बैठ के बात करते हैं। मैं कोई बात करने नहीं आई बैठ के, बहुत दिन से तुझे कॉल कर रही, कितने टाइम से घर से बाहर हो, मुझे कुछ सही नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना बस, और ना तेरे घर में रहना है मुझे, बस वो अपलोड मेरे नाम कर, बात खत्म। और तेरी फोटो भी है, ये ध्यान रख ले, तेरी फोटो भी अपलोड कर दूंगी और दहेज का नाम लगाऊंगी, तेरा बाप भी चक्की पीछेगा, तेरी माँ भी। मुझे उससे मतलब नहीं है यार, मेरे बूढ़े माँ बाप को पता तो है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता करना, बूढ़े माँ बाप अपलोड नाम कर दे बस मेरे, शांति से, बहुत देर होगी तेरे को। एक ही तो घर है हमारे पास, एक ही तो घर है हमारे पास, कहाँ रहेंगे? शादी की थी क्या? कहाँ रहेंगे हम? इसीलिए शादी की थी क्या? तूने मेरे को ना बताया कि एक ही घर है, ना मैं कमाता हूँ, ना तेरा भाई, भाई अलग हो गया, वो पता किसके घर पे? भाई भी तुम्हारे चक्कर में अलग हुआ है ना, मेरे चक्कर में क्यों? मैंने थोड़ी ना बोला हो गया था वो। मैंने थोड़ी ना बोला अलग होने के लिए भाई, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, प्लॉट नाम कर, बात खत्म है।
यार तुम्हारे मतलब। माँ बाप भी बहुत परेशान है, तुम समझा करो, एक ही घर है, कहाँ रहेंगे हम? अनाथ आश्रम में छोड़े बुजुर्ग है, एक कट जाएगी जिंदगी, तो रहेंगे कहाँ यार, समझा करो तुम। अनाथ आश्रम में रहेंगे कहाँ रहेंगे? तो यार एक ही घर है वो बूढ़े माँ बाप का। मैं क्या करूँ, वो घर भाई तेरे नाम पे, वो मेरे नाम पे चाहिए बस मुझे, नहीं तो भाई दहेज का इंतजाम लगाऊंगी लगाऊंगी, 15 लाख का। नहीं नहीं दहेज का इंतजाम मत लगाना, समझ में नहीं आ रही क्या तेरे? यार दहेज का इंतजाम मत लगाना, तुम्हें पता है पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी। मैं क्या करूँ तुझे, नहीं तो प्लॉट नाम कर, नहीं तो इंजाम लगाऊंगी बस, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे चक्कर मेरे फ्रेंड है सब दूर हो गए, समझा रही हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ, तेरा भाई अलग हो गया या कोई भी अलग हो गया, मैंने तो नहीं बोला ना किसी को अलग होने के लिए, तू लेके आया था मुझे, तू भुगतेगा मुझे बस। प्लीज ना तू मेरे खर्चे उठा पा रहा है, ना दो वक्त की रोटी खिला पा रहा है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है यार। यार प्लीज यार समझा करो, कितने दिन से तुझे कॉल कर दिया, तुझे समझ में आई? बैठ के बात करते हैं। बैठने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आई? मैं प्लॉट नाम करवाने आई हूँ बस, प्लॉट दे नहीं तो पैसे दे, कहीं से भी दिला के दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत दिन हो गए, ये तो तेरी फोटो अपलोड अभी, हम आराम से भी तो रह सकते हैं घर में, फोटो अपलोड कर रही हूँ तेरे में, प्लॉट मेरे नाम है, क्या हुआ है तुम सब फैमिली में? मैं रह नहीं सकती यार, मैं उस छोटे से घर में सबके साथ में नहीं रह सकती, मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ में, तो मुझे नहीं रहना। उनको कहाँ रखेंगे फिर, वो मर मुरा जाएंगे, बाहर जाएंगे तो बेचारे माँ बाप हमारे। उसको भी फंसाऊंगी, उसको भी बोलूंगी उसकी तेरी फोटो अपलोड कर। नहीं नहीं उसको कुछ मत करना, उससे बात सब अलग हो चुकी है, उससे भुगत ले अपने आप, क्या करना है तेरे को? बहुत दिन होगा तुझे समझाते समझाते, प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ बस, तुझे देख ले अब तू क्या कर ले यार, माफ कर दो अब ऐसा। माफ आपका कोई सीन ही नहीं है यार, मैं माफ नहीं कर सकती, माफ क्या करना, मुझे प्लॉट चाहिए बस, बात खत्म, मुझे अपनी लाश जीनी है बस यार। हमारे पास और घर नहीं है रहने के लिए, तो हम रहेंगे कहाँ? कहीं भी रह ले, किराए पे रह ले, अपने माँ बाप का तो मेरा काम भी नहीं चल रहा है अभी, वो बुजुर्ग है, पेंशन जो आती है उस पे खर्चा उठाते तुम लोग, तो काम भी नहीं चल रहा है ना, और ज्यादा पैसे, पेंशन कितनी आती है? 2000 रुपए पेंशन आती है, 2-3 हजार रुपए पेंशन आती है, तो भाई भी तो अलग हो गया है। तो क्यों हो गया अलग? मैंने बोला तो अलग हो गया ना, तू कुछ कमा रहा है, कितने दिन से शादी करके बैठा हुआ कमाता है? लॉकडाउन के चक्कर में नौकरियां है ही नहीं, तो कहाँ करें, क्या खिलाएगा मुझे लॉकडाउन? कुछ टाइम तो रह सकते हो ना, कुछ टाइम बाद फिर ऐसा हो जाएगा पहले जैसा, पहले जैसा हो जाएगा दोबारा, मैं रह नहीं सकती, मुझे प्लॉट नाम चाहिए बस, कैसे भी करके कहीं से भी करके प्लॉट नाम कर, मुझे नहीं पता, अपने माँ बाप से पूछ या कुछ भी कर, नहीं तो देख लियो, मैं लगाऊंगी दहेज का इंजाम, पैसे दे या दहेज का इंजाम मत लगाना, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी पूरी। नहीं नहीं रुको रुको, फोटो वोटो कोई अपलोड मत करना, तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मेरी फ्रेंड गर्लफ्रेंड थी, वो मैंने उसको भी छोड़ दिया था। कुछ है ही नहीं, देख। नहीं नहीं कुछ मत करना, देख रहे फोटो? हाँ सारी अपलोड कर दूंगी मैं, क्योंकि तुझे इतने दिन से कॉल कर रही हूँ, समझा रही हूँ, पर तेरे समझ में तो आई नहीं रही है, ठीक है? बहुत दिन हो गए, बहुत ही कुछ कहना नहीं, बहुत परेशान करके रख रखा भाई सारे, इतना भयंकर इतना नीच गंदा इंसान मैंने देखा ही नहीं, इतनी बात बोलने के बाद भी तू यही कि यही डटा हुआ है ऐसे। कहाँ से करूँ तुम्हें पता है, नहीं है पैसे भी नहीं है मेरे पास अभी। प्लॉट नाम, प्लॉट तो है ना यार, प्लॉट नाम नहीं कर सकता, घर वाले भी तो रहते मेरे, तो रहते अनाथ आश्रम में, बता नहीं छोड़ सकता उनको वहाँ पे, नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता, सबके माँ बाप ले जा, समझा करो, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई, प्लॉट नाम दे या ना दे, ये तो वो तेरी गर्लफ्रेंड है, भूल गया ना तेरी, उसको अच्छे से फंसा दूंगी। नहीं नहीं अब उनको कोई बीच में मत लाना, बीच में लाया क्या, मुझे नहीं मतलब उससे, कोई मुझे तो उससे प्लॉट चाहिए, चाहे वो बीच में आए चाहे कहीं भी आए, ये देख ले बस। प्लीज यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे बूढ़े बाप उनको लेके कहाँ जाऊंगा रोड पे, समझ में नहीं आई उनको, रोड पे लेके कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जाए कहीं भी जाए मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है बस, मुझे तो पैसे चाहिए, कहीं से भी ला के दे पैसे दे, या फिर प्लॉट नाम कर, बहुत दिन हो गए, मैं अपलोड कर दूंगी फोटो, सच बोलू इस बार, नहीं माँ बाप मर जाएंगे, प्लीज समझा करो, कुछ मत करना ऐसा, फोटो वोटो अपलोड मत करना, फिर मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, बाप है चक्की पीसेगा और तेरी माँ भी, तेरे को शर्म आएगी यार, प्लीज यार, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है साला, तेरे को शर्म आएगी, क्यों आएगी शर्म, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मेरी मर्जी कैसे बात करूँ, तू कौन होता है बोलने वाला, की जाती है तू कौन होता है, की जाती है भाई, तू कौन है, ऐसे होती है, हाँ ऐसे होती है, क्या बोल रही है इसको, बूढ़े माँ बाप तेरी चक्की पीसेंगे, क्यों तेरे माँ बाप, तेरे माँ बाप ने भेजी है, नहीं नहीं तेरे माँ बाप ने कभी जेल में चक्की पीसी है, पता है तेरे को, क्यों पीसेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे काम करते ही नहीं, भाई इसके बाप ने भी नहीं करे भाई, मुझे नहीं पता, मुझे तो प्लॉट चाहिए, नहीं नहीं मैं इसलिए भी आई थी शादी में, तू चुप, छोटे बोले तो बोलने वाला, तूने कैसे बोला बीच में, शादी किसने करी, हम दोनों ने करी या इसने कराई, किसने कराई है, जब मैं क्यों करवाऊंगी जबरदस्ती, खुद करी है, खुद नहीं करी तूने, नहीं वो आपने फोटो से ब्लैकमेल कर रही है, तू बीच में क्यों आया, क्यों ना हूं, तू कौन होता है, क्यों ना हूं, किसको लेके आया, भाई है मेरा, बड़ा भाई हूं, बता भाई, तो नहीं है तेरा,
भाई भी हूँ, बता क्या करेगी, क्या पार्ट लेगी मेरा, बता तू क्या पार्ट लेगा, तू क्या बिगाड़ लेगा। मैंने तेरे को ना एक रेप्टे, मैंने तेरे 32 के 32 दांत तोड़ देने, तेरे को सुअर बना दूंगा मैं। बहुत देखे तेरे जैसे, बहुत देखे, बहुत देखे। चल अगर तेरे नाम पे नहीं, तू मारेगा ना थप्पड़, तेरी औकात है ना थप्पड़ मारने की। तेरे को तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर, चल ना तू, जाना चल ना तू, बहुत देर होगी, नहीं कर रहा तेरे नाम पे, नाम कर रहा है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बता दे मुझे, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं कर सकता यार। नहीं तो अब देख लिया तू, हाँ तो खुद ही देख लो, तेरे माँ जेल में चक्की पीसेंगे और तेरे को भी, बस देख लियो, पीसेंगे क्यों, मैं तू चुप हो जा, नहीं पीसेंगे, तू चुप हो जा, पीसेंगे साले, बहुत देर होगी बोलते, तू चुप हो जा, नीचे कर ले, क्यों नीचे कर लू, क्यों नीचे कर लू, मोड़ के ना तेरे नाक में डाल दूंगा, मुंह से मैं, मुंह से निकालूंगा, चुप हो जा, गालियां देना थोड़ा कम कर ले, तू है कौन, तू है कौन, तेरे को क्यों बताऊं, तेरे को क्यों बताऊं, तू कौन है, मैं कोई नहीं भाई, इसकी वाइफ हूं मैं, इसकी वाइफ हूं, तेरी औकात है, तेरे को बताऊं मैं कौन, तेरी औकात कुछ भी नहीं है, तेरी औकात कितनी भी नहीं है, तेरी औकात कितनी है, तेरी औकात पता है कितनी है, तेरी औकात पता है कितनी है, तेरे गरीब और अमीर करना, क्यों बहस कर रहा है हमसे, नहीं नहीं तेरी औकात सिर्फ इतनी है, गरीब और अमीर करना, बोल ले तू जाएगा यहां से, बेफालतू में लड़कियों की वजह से ना, अरे यार तू जा, तू निकल, तू जा, तो देरा नहीं तेरा प्लॉट, हाथ मत लगा, मैं लगा ना हाथ, मैं आराम से बात कर रहे हैं ना, मैं आराम से बात कर, ऊपर से इसको लेके आया था, हां लेके आया, क्या करेगा, बड़ा भाई है मेरे, तू भी तो इसको, तू कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तूने अपना खुद ही मुकाला कर, तूने अपना मुकाला खुद ही कर लिया, पता है तेरे को, तूने कर लिया, इसलिए कर लिया, अभी तक जो करा है तूने अपना मुकाला खुद ही करा है, तुझे पता है, तुझे पता है इसने क्या किया, क्या किया, इसने मेरे से शादी की है, ठीक है ना, ये मुझे दो वक्त की रोटी खिलाता, ठीक है, इसके माँ दो वक्त की रोटी ना, ओए सुन ले मेरी बात, ओए सुन ले मेरी बात, सुन ले, इसके साथ दो टाइम की ना रोटी कोई भी खिला सकता है, लेकिन तेरे पेट में खुजली है, पता है किस चीज की, तेरे पेट में खुजली पता है किस चीज की, सिर्फ प्रॉपर्टी की, तू सारा बातें मत बना, तेरी औकात देख ली मैंने, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ पे आके बैठ जा भाई, इधर आ, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, अभी तूने इसको हाथ हाथ लगा, इसको लगाऊंगी, ले तू क्या कर लेगा बोल, हाथ मत लगा, मेरी मर्जी, मेरा हस्बैंड है, हाथ लगाऊं या पहले लगाऊं, मेरी मर्जी, तू कौन होता है, हो गया ना तेरे ना बाल बाल खींच के मैं गंजा कर दूंगा तेरे को, मुझे बहस कर दे साले, जान नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आएगा तेरे को, जो कर रहा है, हां तू चल ना भाई मेरे साथ, प्लॉट नाम कर, तू नहीं लगा, हाथ मत लगा, मोड़ रहा हूं तेरे को, समझ नहीं आ रही, हाथ मत लगा, साले कौन होता है तू, हाथ मत लगा, कौन होता है, हाथ मत लगा, क्यों इसी को लेके आए, हां बड़ा भाई, हां लेके आया, बता क्या करेगी, तेरे को समझा रहा हूं, कब का हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ लगाती जा रही, पागल हो रखी है, तू कौन है साले, मैं कौन है साले, गाली मत दे, एक और आएगा, एक और आएगा, इसको बोल दे, नहीं बोल रहा है, हाथ नीचे, हाथ ऊपर हुआ ना, उंगली तोड़ दूंगा तेरी, इसीलिए लेके आया, हाथ नीचे, उंगली तोड़, बड़े भाई हैं, उंगली तोड़ दूंगा, हाथ नीचे, ऊपर नहीं, तेरी हिम्मत कैसी, मैंने हाथ पकड़ लिया, हिम्मत से निकल, तू निकल, चल तू प्लॉट नाम दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं कर, बोल नहीं कर सकता मैं, देख लिया, हां देख लिया, तू खुद भुगत लिया, तू खुद देख उधर, वो देख कैमरा लगा लिया, जितनी बकवास कर रही है ना तेरी, तेरी सारी रिकॉर्ड हो रही है, कर ले, जा 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 कर, साले तूने इसलिए कैमरा लगा रखा है ना, जाएगी और फंसेगी, बोल रही है, देख ले इधर, इधर सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, यहाँ पे खड़ी हो, खड़ी हो यहाँ पे, इधर आ, बोल ना, इधर खड़ी हो, आवाज नीचे, आवाज नीचे, लाइव करवा दूंगा, अभी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी बात सुन, तूने ऑन कैमरा पता है क्या बोला है, मैं फोटोज वायरल कर दूंगी, कैमरा लगा हुआ है हमारे पास, ध्यान रखियो, अगर ये कहीं सुन ले मेरी बात, कहीं और से भी वायरल हो गई ना तो तू फंसेगी, अब तू सोच इसको डिलीट करना है या फिर वायरल करना है, नहीं मैं डिलीट कर देती हूं, फोन निकाल, खोल के दे फोन, इसको फोन खोल के दे, इसको भाई गैलरी खोल, कहीं और से भी होंगे ना वायरल तो अब तेरा ही नाम आएगा, अब नहीं, सोच नहीं, लियो, फोन में थी से, कहीं और से भी हुई ना तो तेरा ही नाम आएगा, समझ आ रही है, प्लीज मगर ये वीडियो मत डालो, क्यों ना डाले, गाली किसको दे रही थी, नहीं गाली किसको दे रही थी, हां गलती है, नहीं नहीं ओए इधर, गलती नहीं, गाली किसको दे रही थी, मैंने तेरे को गाली दी, नहीं नहीं बता, हम लड़कियों को कुछ बोलें तो इतना बड़ा, तुम कुछ भी बोल लो, शादी करिए घर खराब करने के लिए या घर बनाने के लिए, तूने मुझे नहीं रहना, नहीं रहना तो फिर शादी क्यों करी जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं, तूने बता इसको क्या सीन हुआ था, जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, हां या ना, हां या ना, पार्टी के लिए करिए इसने की ना, क्यों करी, अपनी जिंदगी की तो परवाह नहीं है इसकी भी है, तेरे को पता है इसके तेरे चक्कर में इसका भाई घर छोड़ के चला गया, पता है तेरे को, तो इसके भाई को मैंने थोड़ी ना बोला था कि तो तेरी हरकतें जब ऐसी थी तो कोई भी छोड़ के ही जाएगा ना, इतनी सती सावित्री तो तू, इतनी सती सावित्री तो तू है नहीं, अब बोलेगी मैं सती सावित्री हूँ, बोल है तू नहीं है ना, गलती क्या हो गई, घर खराब कर दिया बोल रही, गलती हो गई इसकी, गर्लफ्रेंड के साथ क्यों उसका रिलेशनशिप तोड़वा दिया तूने, तेरे को शर्म आई, मन कर रहा है एक और थप्पड़ मारूँ तेरे को, क्यों क्यों तोड़वाई, क्यों तेरे को बेस्ट फ्रेंड थी ना तू दोस्त की, क्यों तेरे को शर्म नहीं आई, बेस्ट फ्रेंड का ये मतलब होता है, दोस्त का मतलब क्या होता है, तेरी जैसे दोस्तों के चक्कर में लोग दोस्ती नहीं बनाते आज के टाइम में अपनी, सॉरी बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है,
बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड का मतलब यही होता है हर चीज में साथ देना ना। तो तू उल्टा कर रही है काम, ब्लैकमेल कर रही है तू। नहीं अपनी शर्म कर ले थोड़ी सी, प्लीज ये पूछ के डालेंगे। प्लीज यार ये वीडियो मत डलवाना। ये ऐसे रास्ता है, गेट पकड़ो निकल निकल। तीन तक गिनूंगा, तीन तक, एक दो तीन, निकल पीछे मुड़ के मत देखियो बेशरम। चल निकल यहाँ से बेशरम कहीं की। भाई तू क्या इसकी बातें सुनता जा रहा है? इसकी औकात क्या है? इसकी औकात सिर्फ ये है कि गरीब करना अमीर करना, बस और कुछ नहीं। कोई होता है हिंदू मुस्लिम करना, अपनी संपत्ति गेन करते हैं, ये गरीब अमीर करके अपना नाम निकाल लेते हैं, मशहूर करते हैं। ये भाई ये फोटो दिखा दिखा के ब्लैकमेल कर रही थी ये बहुत टाइम से मेरे को।